अदनान मेरी बात तहम्मुल से सुनना। देखो बेटियां हमेशा अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलती हैं। आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं कुकी ने कितनी अच्छी तरबियत की है मेरे बच्चों की, कितनी जान मारी है उनके पीछे, लोग मिसालें देते हैं मेरे बच्चों की। तो फिर उसने ऐसी हरकत क्यों की? जब वो इतनी अच्छी थी तो ये क्या किया उसने? ना हमारा ख्याल किया, ना तुम्हारा, ना बच्चों का। दिमाग तो किसी का भी किसी वक्त खराब हो सकता, मेरा भी तो हो गया था। आपने तो बहुत एहतियात और मेहनत से मेरी तरबियत की थी, फिर क्या हुआ? देखो अदनान, मर्द की गलती और औरत की लग्जिश में बहुत फर्क होता है। मर्द की गलती सिर्फ उस तक महदूद रहती है, लेकिन औरत की गलती उससे पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं। बेटा कब तक उसकी देखभाल करोगे तुम? यहाँ भेज दो, मैं अपनी नजर के सामने परवरिश करूंगी उसकी। और उसकी पढ़ाई का क्या होगा? जो भी हो, मैं कुकी की कोताही की सजा हम लोग को नहीं दूंगा। अदनान बेटा, बाहर रहने से हम लोगों की अकदार नहीं बदल जाती, समझ गए ना तुम? बेटी की परवरिश बहुत नाजुक मामला होता है, तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ मेरे और शाहिना के पास रहेगी ना, तो हम संभाल लेंगे उसको। नहीं अम्मी, मैं इस तरह मजबूरी और खौफ में हमना का फ्यूचर तबाह नहीं कर सकता। मैं उसे उसी तरह पालूंगा जिस तरह वो डिजर्व करती है। बाद में बात करते हैं, खुदा हाफिज़। क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई। क्या थी वजह जो की बेवफाई। पता नहीं यार, लेकिन ये खबर सुनकर ना दिल की हालत बदल सी गई है। वो तुम्हें साहिब औलाद करने वाली है, ये बड़े एजाज की बात है यार। मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस उड़ के पहुंच जाऊं उसके पास। I don't know. Of course, यार ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं आज ही फोन करता हूँ। ये घर है मेरा, ड्राइंग रूम, ये डाइनिंग, ये तुम्हारा किचन है। मेरा किचन और हमारा बेडरूम जो है वो ऊपर है। मैं बाकी सामान लेकर आता हूँ। फिलहाल तो ये घर हम दोनों के लिए काफी है, थोड़ा छोटा है। जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जाएगी तो बड़ा घर भी लेंगे। तुम्हें क्या हो गया? ना खुशी का मौका और तुम रोने वाली भी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने पता किया तुम्हारे डाइजेस्ट भी यहाँ मिल जाते हैं, थोड़ा दूर से मिलते हैं, आते आते थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मिल जाते हैं। मैंने डाइजेस्ट पढ़ना छोड़ दिया। क्यों? ऐसा जिंदगी में थोड़ी होता है जो सब वो डाइजेस्ट बताते हैं। क्यों नहीं होता? तुम तो मिल तो गया तुम्हारा डाइजेस्ट वाला असली हीरो अखड़ और वसीला। सिर्फ डाइजेस्ट में ही अच्छे लगते हैं सही हीरो, असल जिंदगी में कुछ जिंदगी को जहरीला बना देते।